सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे पेज 35 हिंदी प्रवेशिका का। ओके बेटा, सो टेक आउट योर हिंदी बुक, पेंसिल एंड इरेजर। टेक आउट पेज 35 एंड राइट डाउन डेट। विच डेट इज टुडे? 15.9.20 एंड C.W। और दिन कौन सा है? मंगलवार। और पार्ट क्या है? 2। रंगीन वर्णों पर ऊ की मात्रा लगाइए। ये ऊ की मात्रा है और रंगीन वर्ण कौन से हैं? जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो हमने जितने भी ये कलर व्यंजन है इन पे हमने ऊ की मात्रा लगा के फिर इसको रीड करना है। ये क्या है? फल। लेकिन जब मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? फूल, फूल। मात्रा लगाने के बाद क्या पढ़ेंगे इसको? झूला, झूला। काच, न। जो को हमने मात्रा लगानी है तो मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाएगा? काजू, काजू। डबना, डबना तो कोई शब्द नहीं होता। क्या होता है? अब मात्रा लगाएंगे ऊ की कलर शब्द पे, कलर व्यंजन पे। डूबना। मात्रा लगाने के बाद क्या वर्ड बनेगा? ये डूबना। मजदर। अब मात्रा लगाने के बाद क्या पढ़ेंगे इसको हम? मजदूर, मजदूर। कपूर, मजबूत, मजबूत। स्ट्रॉन्ग। धू, धा, धा। धूल, धूल। ओके बेटा, थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है? ऊ की मात्रा, ये ऊ की मात्रा है, लगाकर शब्द लिखिए। ये शब्द दिए हुए हैं लेकिन मात्रा कहाँ लगानी है वो बोलने के बाद पता चलेगा। और इसको हमने दोबारा से लिखना है। चाक। चाक से नया शब्द क्या बन जाएगा? चाकू। किस पे मात्रा आई? क पे। चाकू। बाल। बाल से क्या बन जाएगा? बालू। बालू रेत होती है। बालू। कपर। ये क्या है? कपर। अब ऊ की मात्रा किस पर लगेगी? ऊ पे, प पे। कपूर, कपूर। बबल। बबल नहीं होता, क्या होता है? बबूल, बबूल। एक भी व्यंजन दूसरे व्यंजन से टच नहीं करेगा, ठीक है? डिस्टेंस प्रॉपर रखना है आपने। भाल। भाल से क्या बनेगा नया शब्द ऊ की मात्रा लगाने के बाद? भालू। चित्रों के सही नाम पर गोल दायरा लगाइए। ऐसे गोला बनाना है आपने और आपको तभी पता चलेगा जब आप उसको पढ़ेंगे। अब चित्र देखिए, क्या है चित्र में? भालू। अभी पता चला आपको कौन सी मात्रा आ रही है? बड़े ऊ की, है ना? भालू, भालू, भल्लू। अब बताओ कौन सा ठीक है? भालू। तो इसको हमने सर्कल कर देना है। और कैसे करेंगे? पहले सीधा सी बनाएंगे फिर उल्टा सी बनाएंगे, ठीक है बेटा? तो क्या बन जाएगा? ये सर्कल बन जाएगा, भालू। नेक्स्ट क्या है? तरबुज। तुरबुज ऐसा होता है, या तरबूज। कौन सा ठीक है? तरबुज, तुरबुज या तरबूज। किस में बड़े ऊ की मात्रा है? इसमें। तो इसको आप सर्कल करेंगे और जैसे मैं हमने सिखाया वैसे करेंगे, पहले सीधा सी फिर उल्टा सी। तरबूज।
तरबूज। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको, कबूतर। कौन सा पक्षी है ये, कबूतर। अब इसको हम रीड करेंगे, कबूतर कबूतर कबूतर। तो कौन सा ठीक है, कबूतर कबूतर। तो इसको हम सर्कल करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे राउंड राउंड, पहले सी फॉर कैट और फिर उल्टा सी फॉर कैट, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सारा पेज, ये सारी एक्सरसाइज करनी है, लेकिन पढ़कर। ओके बेटा, बाय।